तो जैन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्टल आर्मी भर्ती 2024 के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया पोर्टल आर्मी भर्ती के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो को मैं माध्यम से बताऊंगा आपको कि पोर्टल आर्मी की भर्ती कब निकलने वाली है और इसका ऑनलाइन कब से होगा। देखो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश पोर्टल आर्मी भर्ती में जाते हैं तो आपको इसमें ऑनलाइन कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड पोर्टल आर्मी में जा रहे हैं तो आपको सीधा आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन नहीं होता दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश पोर्टल आर्मी में अगर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आपको ऑनलाइन पहले कराना पड़ेगा। आपको 15 या 20 दिन ऑनलाइन कराना पड़ता है, इसके बाद आप जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तभी आप इसमें भर्ती देखने जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एज की 18-40 साल तक एज होनी चाहिए इसमें, और भारत का पुरुष नागरिक हो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका कोई कारागार नहीं हुआ हो। इसमें ऑनलाइन आपका 13 दिन तक होता है। इसका मतलब रैली कहाँ पर होता है? अबैरी पार्टी रामपुर बुरस बुरसाहर जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश ही पोर्टल कंपनी में आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। आपका मतलब इसमें फिजिकल कब होगा? 28 अप्रैल से 23 अप्रैल से 7 मई तक होगा। 7 मई तक होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका फिजिकल अप्रैल में ही होता है। हिमाचल प्रदेश पोर्टल आर्मी का फिजिकल अप्रैल में ही होता है दोस्तों। 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 7 मई तक इसका फिजिकल चलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका फिजिकल 8 बजे से लेकर 2 बजे तक फिजिकल चलेगा। परीक्षा घोषित मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर 5 मई से 10 मई के बीच में निकाल दिया जाएगा दोस्तों। सर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 3 छायाप्रति होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, केवल स्टेट बैंक का या पंजाब नेशनल बैंक का। अगर आप हिमाचल प्रदेश पोर्टल आर्मी भर्ती देखने जा रहे हो तो आपका केवल स्टेट बैंक का या पंजाब नेशनल बैंक का खाता नंबर होना चाहिए। जन बैंक खाता स्वीकार नहीं होगा, मतलब आपका आधार खाता स्वीकार नहीं होगा। निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। 10 राज्य सौ टिकट लाना अनिवार्य दोस्तों। मोबाइल नंबर या अपना NOK देना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर या अपना जीमेल आईडी दे सकते हैं दोस्तों। और आपका NOK रंगीन फ़ोटो, मतलब आपके पापा के साथ में 4 फोटो, व्यक्तिगत की फ़ोटो रंगीन 6, 1 जनवरी 2023 के पश्चात राजपति अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। मतलब आपका जैसे भर्ती देखने आपको मार्च में 2024 में जाना है तो आप जनवरी के पहले आपका इसमें राजपति द्वारा अधिकारी द्वारा बनवा सकते हैं। आप काले से बनवा सकते हैं या पुलिस से बनवा सकते हैं, स्टेशन से बन जाता है, पुलिस स्टेशन से बन जाता है। और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, जनवरी के पहले ही बनवा लेना दोस्तों। आप दिसंबर जैसे लगे तो आप लोग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना और राजपति अधिकारी द्वारा शरीर प्रमाण पत्र बनवा लेना, ये काले से बन जाएगा दोस्तों। ये मैं सारा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, आप लोग वहाँ पर देख लेना। यहाँ पर वेतन देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए, कितना टोटल मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इस लिंक को देख लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।